नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों हम एक बार फिर से हाजिर हैं IPL 2020 की एक और इंटरेस्टिंग खबर के साथ, जहां पर दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली चार टीम्स के बारे में। तो जितने भी IPL फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और यहाँ कहीं नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों हम यहां पर आपको एग्जैक्ट चार टीम्स के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे जो बाकी बची हुई टीम्स के फैन हैं उनको बुरा लग सकता है। तो इसीलिए हम एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका लेकर आए हैं जिससे आपको इस इक्वेशन को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम नंबर एक स्पॉट की। तो दोस्तों इस स्पॉट के लिए इस साल दो टीम सबसे बड़ी कंटेंडर्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें दोस्तों पहले है मुंबई इंडियंस और दूसरी है चेन्नई सुपर किंग्स। अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये दोनों ही टीम्स IPL की टॉप टीम्स में से एक हैं और IPL इसी वजह से पहले स्पॉट के लिए इन्हीं दो टीम्स में टक्कर देखने को मिलेगी। और दोस्तों क्योंकि CSK में अब सुरेश रैना और हरभजन सिंह नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादातर चांसेस यहां पर मुझे मुंबई इंडियंस के लगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों CSK के कप्तान MS धोनी हैं, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई नंबर एक के स्पॉट की। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्पॉट की। तो दोस्तों दूसरे स्पॉट के लिए जो लड़ाई होगी वो होगी दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। और दोस्तों SRH की टीम पिछले कुछ सालों से काफ़ी कंसिस्टेंट रही है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार एक नई जोश, एक नए उमंग के साथ भरी हुई लग रही है। और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार एक नई चुनौती पेश करने वाली है सभी टीम्स के लिए। और दोस्तों IPL 2020 के प्लेऑफ के लिए दूसरे स्पॉट के लिए दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इनमें से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही टीम्स एक से बढ़कर एक हैं। हालांकि SRH के मिडल ऑर्डर को लेकर ज़रूर थोड़ी समस्या रहेगी, तो इसी वजह से थोड़ा सा पलड़ा मुझे दिल्ली कैपिटल्स का भारी नज़र आ रहा है। वहीं पर दोस्तों बात करें तीसरे स्पॉट की, तो दोस्तों तीसरे स्पॉट के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों ये दोनों ही टीम्स में जब भी मुकाबला देखने को मिलता है तब मुकाबला काफ़ी थ्रिलर से भरा होता है। हालांकि दोस्तों आज तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में KKR का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन ये साल एक नई धरती पर विराट के रियल चैलेंजर्स कुछ रियल कारनामा करने को तैयार हैं। तो तीसरे स्पॉट के लिए इन दोनों टीम्स के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और कौन सी टीम इसमें बाजी मारेगी ये बताना दोस्तों काफ़ी मुश्किल है। तो इन दोनों ही टीम्स के 50-50 चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके हिसाब से दोस्तों कौन सी टीम करेगी क्वालिफाई तीसरे स्पॉट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं चौथे स्पॉट की, तो इसके लिए दोस्तों बची हुई किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की कमान इस बार KL राहुल के हाथों में है, जो कि कमाल करने को तैयार है। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की कमान स्टीवन स्मिथ के हाथों में होगी। तो इस हिसाब से दोनों ही टीम्स एक से बढ़कर एक हैं। तो दोस्तों ये थी प्लेऑफ की दावेदार टीम्स, लेकिन दोस्तों ये समीकरण इनके स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस को देखकर बनाई गई है। यानी कि इस वीडियो में जिन दो टीम्स को जो स्पॉट मिला है वो उसी स्पॉट के लिए डिजर्व करती हैं। लेकिन मान लीजिए मुंबई इंडियंस की टीम ने नंबर एक पर क्वालिफाई कर लिया, तो हो सकता है कि CSK नंबर दो पर क्वालिफाई कर ले। तो ये पॉइंट्स का सिस्टम जो है वो अलग चलेगा, वो मैचेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मैचेस कौन जीता है। और दोस्तों जैसे जैसे IPL शुरू होगा, IPL के मैचेस शुरू होंगे, हम आपको ये सारा समीकरण जो है वो हम हमारे चैनल पर समझाने वाले हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। धन्यवाद।